नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 हफ्ते से बता रहा हूं अपने चैनल के ऊपर, कि मैंने एक पोजीशन बेस्ड इंडिकेटर जो है उसको जनरेट किया है। डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ये इंडिकेटर चलता है, और मैंने पिछले 2 हफ्ते से, मतलब ये दूसरा हफ्ता है जब ये इंडिकेटर मैं उसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये सवाल आता है कि हमने ये इंडिकेटर कैसे बनाया और इस इंडिकेटर के पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं, और मतलब ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, कौन कौन सी बातों को हमको जब ट्रेडिंग करनी है तो इस इंडिकेटर के हिसाब से हमको माइंड में रखनी चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को हमारे व्हाट्सएप के ऊपर और हमारे क्या कहते हैं टेलीग्राम और हमारे YouTube चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिले। तो हम आज की इस वीडियो के अंदर आप सबको ये बताएंगे कि इस इंडिकेटर के पीछे क्या चीज काम करती है, कैसे ये इंडिकेटर काम करता है, क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और मैं आपको पहले से ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने इसकी एक्यूरेसी को टेस्ट किया है, पिछले 2 हफ्ते से मैं इसको एक्यूरेसी को टेस्ट कर रहा हूं, और इसकी जो एक्यूरेसी निकल के आ रही है वो 90% निकल के आ रही है। ऑलरेडी मैंने अपने सपोर्ट ग्रुप के अंदर कुछ लोगों को इसका एक्सेस दिया हुआ है, पूरे सपोर्ट ग्रुप को दिया हुआ है इसका एक्सेस, तो उन्होंने भी यहाँ पर टेस्टिंग की है इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर। तो उन्होंने भी यही पाया है कि इसकी एक्यूरेसी जो है अच्छी खासी है। तो इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी खासी क्यों है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। इसको समझने के लिए हम ऑप्शन चेन के ऊपर आएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर मार्केट को रन किया जाता है, और ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर ही मैनिपुलेशन किया जाता है। मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत बार आप लोगों को समझाया भी हुआ है, और जिन लोगों को मैंने कोर्स के अंदर मैंने मेरे जो पर्सनल कोर्स है ऑप्शन चेन और एंड फ्यूचर्स का, उसके अंदर भी मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों को ये चीज समझाई हुई है कि मार्केट के अंदर जब भी मैनिपुलेशन की जाती है तो उसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो सेगमेंट होते हैं उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर बिना वजह मार्केट अगर ऊपर जा रही है या फिर बिना वजह मार्केट नीचे जा रही है, और बिना वजह मतलब क्या होता है कि या तो बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर जा रही है या फिर अपने टेक्निकल्स को फॉलो ना करती हुई मार्केट ऊपर या नीचे जा रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मार्केट बिना किसी सरपैर या फिर बिना किसी वजह के मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वहां पर बड़ा प्लेयर जो है, यानी कि जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है, वो FNO सेक्शन के अंदर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर कुछ बड़ा खेल मैनिपुलेशन कर रहा है। और ये बातें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर बहुत बार डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आप किसी नॉर्मल इंडिकेटर को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, वहां पर वो सभी इंडिकेटर जो होते हैं वो प्राइस के बेसिस के ऊपर काम करते हैं। नॉर्मली जो आपको फ्री इंडिकेटर मिलते हैं वो प्राइस के बेसिस के ऊपर काम करते हैं दोस्तों, तो उनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि एक तो वो फ्री होते हैं, ऊपर से वो प्राइस के बेसिस के ऊपर काम करते हैं, और तीसरी चीज, मार्केट जो होती है वो रन करती है दोस्तों ऑप्शंस के पोजीशंस के बेसिस के ऊपर, क्योंकि ऑप्शंस में मैनिपुलेशन करना बड़े प्लेयर के लिए बहुत आसान होता है। तो अगर कोई एक ऐसा इंडिकेटर, मैंने खुद सोचा कि अगर कोई एक ऐसा इंडिकेटर बनाया जाए जो कि ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर हो, तो डेफिनेटली अगर मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है या फिर मार्केट को अगर मैनिपुलेट करके बिना वजह ऊपर या नीचे जाना है तो ऑप्शंस की पोजीशंस के बेसिस के ऊपर वहां पर मुझको पता लग जाएगा। तो इसी उद्देश्य के बेसिस के ऊपर मैंने ऑप्शन चेन की जो पोजीशंस होती हैं उनके बेसिस के ऊपर इस इंडिकेटर को बनाया है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो इंडिकेटर है इसका उद्देश्य, जो ये वीडियो बनाई जा रही है इसका उद्देश्य केवल और केवल आपको एक लर्निंग और एक एजुकेशन पर्पस के बेसिस के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। मेरा कोई भी सजेशन नहीं है किसी भी इंसान को कि इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर कोई भी सेल होल्ड या बाई की पोजीशन बनाई जाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम पहले पता लगा लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें सीखनी है या फिर पढ़नी है आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों व्हाट इज अ पोजीशन बेस्ड इंडिकेटर, जिसकी
चर्चा मैंने अभी अभी कर डाली आपके साथ कि ये पोजीशन बेस्ड इंडिकेटर जो है प्योरली ऑप्शन चेन की पोजीशंस के बेसिस के ऊपर काम करता है। तो ऑप्शन चेन की जो पोजीशन बेस्ड ऑप्शन चेन की जो पोजीशंस होती हैं दोस्तों, वो दो टाइप की होती हैं। अगर आप एक बिल्कुल नए इंसान हैं या फिर अगर आप कुछ भी नॉलेज नहीं रखते, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी ब्रीफिंग करके कि यहाँ पर एक कॉल साइड का कॉलम होता है, एक होता है पुट साइड का। कॉल साइड की पोजीशंस जब भी क्रिएट की जाती हैं एट द मनी के ऊपर, और इसी लॉजिक के बेसिस के ऊपर इसको बनाया गया है, कॉल साइड की पोजीशंस जब भी एट द मनी के ऊपर क्रिएट की जाती हैं, जैसे कि आज यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हुई थी मार्केट के अंदर, यहाँ पर ये पोजीशंस क्रिएट हुई थी, तो ये पोजीशंस जब भी क्रिएट की जाती है दोस्तों, वहां पर कॉल साइड के ऊपर हमको एक बेयरिश सिग्नल मिलता है एट द मनी के ऊपर अगर की जाती है तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है जिस लॉजिक को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो मैंने यहाँ पर यही लॉजिक यूज किया है कि एट द मनी जो है उसके बेसिस के ऊपर कॉल साइड की पोजीशंस के अंदर क्या बदलाव किया जा रहा है। दूसरी चीज कि पुट साइड का जो होता है, पुट साइड के ऊपर अगर एट द मनी के ऊपर जो कि यहाँ पर है, अगर ये पोजिशन क्लोज की जा रही है तो मार्केट बेयरिश रहेगा, और ये पोजिशन को इंक्रीज किया जा रहा है यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव पोजिशन हैं तो मार्केट यहाँ पर बुलिश रहेगा। तो ये एक पहला लॉजिक है जो मैंने यहाँ पर इस इंडिकेटर के बेसिस, इस इंडिकेटर को डेवलप करते हुए ध्यान में रखा है दोस्तों। दूसरा दूसरा लॉजिक ये है कि यहाँ पर प्रीमियम जो होता है, वो प्रीमियम बहुत बड़ा प्ले रोल प्ले करता है जो हमारा यहाँ पर नेट चेंज के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर दिखता है। तो ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर अगर एट द मनी के ऊपर पोजीशंस इंक्रीज हो रही हैं और प्रीमियम भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि मार्केट डेफिनेटली गिरेगा ही गिरेगा, और वहां पर उसका गिरने का ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई नया इंसान है और उसको ऑप्शन चेन नहीं रीड करना आता तो वो भी इस बात को समझ ले। और यहाँ पर अगर पोजीशंस इंक्रीज हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, और यहाँ का प्रीमियम अगर डिक्रीज कर रहा है यानी कि मतलब वैल्यू जो है यहाँ पर प्रीमियम की वो घट रही है, तो भी यहाँ पर मार्केट, तो उस केस में मार्केट बुलिश हो जाएगा, मतलब मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये सेकेंड लॉजिक है जो कि मैंने इस इंडिकेटर के अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ पर इस लॉजिक को समझना पड़ेगा, ये दोनों लॉजिक के बेसिस के ऊपर मेरा इंडिकेटर आपको ये बताता है कि वहां पर एट द मनी के ऊपर क्या किया जा रहा है, ऑप्शन चेन प्लस सॉरी ऑप्शन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस के बेसिस के ऊपर और प्रीमियम के बेसिस के ऊपर। और इसी को लॉजिक को मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके और वैल्यू के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है, और उस वैल्यू का मैंने यहाँ पर चार्ट डेवलप किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यही लॉजिक है, और ये लॉजिक आज का नहीं है, ये लॉजिक बहुत पुराना लॉजिक है, और इसको जब चार्ट के बेसिस के ऊपर हमने देखना शुरू किया, प्लस दूसरी चीज एक जो तीसरा लॉजिक है यहाँ पर, जो थर्ड लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है कि मैंने यहाँ पर पहले पहले मैंने इसकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर देखता था यानी कि पढ़ता था, यानी कि यहाँ पर अगर यानी कि अगर मान लीजिए कि इस स्ट्राइक पर ये मेरा एट द मनी है अगर, तो मैं यहाँ पर देखता था कि यहाँ पर 17 लाख पोजीशंस क्रिएट हुई है, तो यानी कि ये 17 लाख इज अ वैल्यू। अब मैंने तीसरा लॉजिक जो है जो कि मेरे को बहुत काम आ रहा है, तो तीसरा लॉजिक क्या है कि मैंने यहाँ पर चेंज ऑफ रेट, इसको मैंने इस इंडिकेटर के अंदर डेवलप करके और ऐड किया है। तो दोस्तों ये एक मेन बैकबोन है इस इंडिकेटर की, तो चेंज ऑफ रेट मैंने इसके अंदर एट द मनी का जो होता है हमारा, 3 स्ट्राइक पर एट द मनी के अंदर आती हैं, ठीक है, वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। स्केल एनालिसिस करके एक वीडियो है, उसको अगर जाके देखेंगे तो एट द मनी कैसे हम डेवलप करते हैं वो आप, या फिर जानते हैं एट द मनी कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस कैसे निकाली जाती हैं, तो आप यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर अगर स्केल करके अगर सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर स्केल एनालिसिस ऑप्शन चेन पार्ट वन, और यानी कि यहाँ पर पार्ट टू स्केल एनालिसिस की ये वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर स्केल एनालिसिस को एट द मनी के अंदर कैसे किया जाता है, और यहाँ पर इसी स्केल एनालिसिस को रेट ऑफ चेंज के अंदर कन्वर्ट करके
प्रीमियम के साथ कनेक्ट करके यहां पर इसी को यूज किया गया है इस इंडिकेटर के अंदर, यही इसका लॉजिक है, ठीक है। और उसको वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करके उसको प्लॉट किया गया है चार्ट के ऊपर, तो यही इसका लॉजिक है दोस्तों। और मैंने आज तक कोई चीज छिपाता नहीं हूं, तो मैंने इस चीज को लर्निंग जो भी करना चाहता है वो इसको ध्यान में रखे। और इन सब चीजों की चर्चा मैं ऑलरेडी अपनी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जो है, जो भी लोग हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट जो है ये ऑप्शन चेन की प्लेलिस्ट, इसके अंदर अभी तक मैंने 18 वीडियोस पोस्ट की हैं। इसमें अगर किसी भी इंसान ने अगर ये 18 वीडियोस देखी हो तो उसको सारे लॉजिक्स पता होंगे। और जो हमारे कोर्स को ज्वाइन करता है वो डेफिनेटली इस सारे लॉजिक्स को जान लेता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉजिक्स मैंने यूज किए हैं, तीन लॉजिक मैंने यूज किए हैं, वो तीनों के तीनों लॉजिक मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, ठीक है। और इसी बेसिस के ऊपर ये इंडिकेटर को डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ये लॉजिक कैसे काम करते हैं, ठीक है। और ये लॉजिक्स ऐसे ही काम करेंगे। तो अगर यहाँ पर अगर कुछ कॉल्स, अब यहाँ पे देखिए कि अगर कॉल राइटर्स एक्टिव होंगे, यानी कि कॉल राइटर्स यहाँ पर इस इंडिकेटर यानी कि ऑप्शन चेन के ऊपर अगर एक्टिव होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहां से समझिए। ये जैसे कि आज का ये चार्ट है, तो अगर यहाँ पर कॉल राइटर्स अगर एक्टिव रहेंगे तो ये जो पोजीशंस की जो लाइन है वो ब्लू कलर की है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक नीचे की तरफ स्लोप आएगा इंडिकेटर का, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ये मार्केट भी नीचे की तरफ जाती दिखेगी। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स जब एक्टिव थे तो मार्केट ने नीचे की तरफ इशारा किया। दूसरी चीज यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, जो आज फॉल आया है तो वहां पर भी देखिए हमारे इंडिकेटर ने उसको कैप्चर किया था। तो यहाँ पर ये फॉल जब आया इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर, तो पोजीशंस ने जब वहां पे कॉल लेटर्स एक्टिव थे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली गई, और ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो पोजीशंस की है, आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। और ये जो रेड कलर की लाइन है वो इंडेक्स की है, तो ये इंडेक्स जो है वो वैसे ही काम करता है जिस हिसाब से पोजीशंस वहां पे जनरेट हो रही होती हैं, और जो ये डाटा है वो आज का डाटा है। और इसी का अगर हम उल्टा कर देंगे तो अगर यहाँ पर पुट राइटर्स एट द मनी के ऊपर एक्टिव रहेंगे, एट द मनी रेट ऑफ चेंज प्लस प्रीमियम को जब हम मिलाएंगे, तो वहां पर होगा क्या कि ये पोजीशंस ऊपर की तरफ स्लोप करना शुरू कर देंगी, और उस केस में मार्केट को ऊपर जाना ही होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पर ये काम करती है, और आज भी आप चेक कर सकते हो कि इस इंडिकेटर ने बहुत खूबसूरती से काम किया है, ठीक है। तो ये लॉजिक है, और मैंने आपको इंडिकेटर की पिक्चर भी दिखा दी आज की, और ये प्रूव भी कर दिया कि मार्केट नीचे क्यों गिरा था, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है जाननी, और जो लर्नर है वो डेफिनेटली जानेगा, और जो टिप्स के लिए आता है हमारे चैनल के ऊपर वो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर भी देगा, क्लियर। और आगे चलते हैं, अब हम जान लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने ये देख लिया कि पोजीशंस बेस्ड इंडिकेटर है क्या, ये कैसे काम करता है, ये भी हमने चेक कर लिया। इसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब कैसे ये आपको एक्सेस मिल सकता है, यानी कि आप इसको कैसे लाइव मार्केट के अंदर देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा इससे पहले। वो बात क्या है कि मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर और मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं पिछले जब से मैंने ये इंडिकेटर की चर्चा की है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि पेड कोर्सेज चलाते हैं, और जिन लोगों को मतलब तलाश रहती है कि कुछ भी ऐसा सक्सेसफुल जो अच्छा परसेंटेज एक्यूरेसी दे मार्केट के अंदर, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, एंड बाय हुक और बाय क्रुक वो पेड कोर्सेज चलाने वाले और यूट्यूब के ऊपर जो भी हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि कैसे ना कैसे करके हम किसी ऐसी चीज को कैप्चर करें या ग्रैब करें जिसका एक्यूरेसी अच्छी खासी हो। तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर, और मैं अभी किसी का कॉल भी पिक नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन यही है कि मुझे अगर मैंने कॉल पिक किया तो मुझे पता है कि वहां पर अभी मेरे से क्या डिमांड की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर और फोन कॉल के ऊपर यहाँ पर यही हो रहा है कि मुझसे इस इंडिकेटर को बाय करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो
इस इंडिकेटर को खरीद लें, और दे जस्ट वॉन्ट टू गेट दिस इंडिकेटर जस्ट फॉर देयर बेनिफिट, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये जो इंडिकेटर है वो मैंने पब्लिक नहीं किया हुआ है और ना ही मैं इसको पब्लिक करूंगा। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैंने पब्लिक कर दिया है, लेकिन मैं इस इंडिकेटर का जो एक्सिस है वो मैं पब्लिक बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत को किसी को नहीं सेल कर सकता, किसी को भी मैं नहीं दे सकता, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अगर किसी को अच्छी लगे तो देन इट इज गुड, अगर किसी को अच्छी ना लगे तो देन इट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू सेल माई हार्डवर्क, ठीक है। बहुत सारे लॉजिक्स लगाए जाते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उन सब कंडीशंस को मैच किया रहता है, पूरी पूरी रात जग के काम किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी को हम अपनी मेहनत को सेल आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इसको पब्लिक नहीं करूंगा। अब कंडीशन क्या है इसको एक्सेस करने की, और दूसरी चीज को जो इसका एक्सेस है वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, लिमिटेड टाइम के लिए ही रहेगा। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर ऐसा प्रतीत होता है, जब मैं इसका एक्सेस अपने सपोर्ट ग्रुप मेंबर्स को दूंगा, तो मुझे ऐसा प्रतीत अगर होता है कि इस इंडिकेटर का अगर मिसयूज किया जा रहा है किसी भी सपोर्ट ग्रुप के मेंबर के द्वारा, देन मैं इसका एक्सेस एक लिमिटेड पीरियड के लिए कर दूंगा, ठीक है। ये भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैं चाहता नहीं हूं कि इसका कोई भी मिसयूज करे, ठीक है। तो मैं इसको क्या अब मैं इसको कैसे एक्सेस आपको मिलेगा इस बात का भी ख्याल रखिए। तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इसका एक्सेस जब तक चल रहा है इट इज गुड, अगर मुझे लगेगा कि इसका कोई मिसयूज कर रहा है तो देन आई विल नॉट गिव दिस एक्सेस टू एनीबडी। हाँ, मैं सपोर्ट ग्रुप के अंदर डेफिनेटली इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर हमेशा हेल्प करता रहूंगा, और वो हेल्प जो रहेगी सपोर्ट ग्रुप के लिए वो डेफिनेटली एक फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प है, उसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं लगता है और एक सही दिशा के अंदर हेल्प जारी रहेगी सपोर्ट ग्रुप के लिए, क्योंकि मैं हमेशा अपने ट्रेड्स जो है वहां पर शेयर करता हूं, क्या एंट्री है, क्या स्टॉप लॉस, हंटिंग हंटिंग कहाँ चल रही है, एग्जिट क्या है, वो सब चीजें मैं यहाँ पर इस सपोर्ट ग्रुप के अंदर करता हूं। तो यहाँ पर जो एक्सेस रहेगा वो सपोर्ट ग्रुप के अंदर ही रहेगा, पब्लिक नहीं रहेगा, और सपोर्ट ग्रुप के अंदर ऐड होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है, सपोर्ट ग्रुप के अंदर ऐड होने के लिए यहां पर आपको अकाउंट ओपन करना होगा अपस्टॉक के अंदर, जिसका जो लिंक है। अब ये अकाउंट ओपन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि भाई अकाउंट ओपन करने जरूरी है कि नहीं है, या फिर बिना अकाउंट ओपन करे भी तो आप कर दे सकते हो, ये है एक्सेस वो है, मतलब बहुत सारी बातें यहाँ पे होंगी। तो पहली चीज तो आपको अकाउंट ओपन करना ही होगा अपस्टॉक के अंदर। अब ये अकाउंट ओपन करना बहुत जरूरी क्यों है, देखिए पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस देने के लिए यहाँ पर लाइफ टाइम जो है सर्विस मतलब इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर देने के लिए रेडी हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी चीज कि ये पब्लिक नहीं होगा इस ऐसा करने से। तीसरी चीज कि इस अकाउंट ओपन करने के बाद, जब अकाउंट ओपन आप कर लेंगे तो यहां पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर फीड हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास वो सभी मेंबर्स का डाटा मौजूद रहेगा जो लोग मेरे सपोर्ट ग्रुप में ऐड होंगे, ठीक है। तो मुझे अगर कल को कहीं कहीं भी कुछ एंक्वायरी करनी होगी, या मुझे कहीं पर भी कुछ पैसा लगेगा फ्यूचर में कि भाई मेरे इंडिकेटर का यूज गलत हो रहा है, तो आई कैन ट्रैक दैट पर्सन, ठीक है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो मैं पूरा का पूरा ट्रैक कर पाऊंगा जब मेरे पास डाटा होगा हर इंसान का, और मैं पब्लिक कर दूंगा इसको तो मेरे पास डाटा ही नहीं होगा। तो इसी वजह से इस अकाउंट को ओपन करना बहुत जरूरी है। ये लिंक जो है आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, दूसरी चीज आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा ये लिंक अकाउंट ओपन करने का। करना कुछ नहीं है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे जैसे आपको स्टेप्स आते रहे वैसे वैसे आप यहां पर इसको
फॉलो करते जाइए और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जब भी यूजर नेम आपको मिल जाए, यूजर नेम आईडी पे पासवर्ड मिल जाए आपको, देन आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर उस यूजर नेम आईडी पासवर्ड को दे सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो कैसे एक्सेस मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब हम इस इंडिकेटर को एक्सेस कर लेंगे सपोर्ट ग्रुप में ऐड होने के बाद, तो वहां पर क्या क्या बातों का ख्याल रखें। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की हैं, वो सारी ऑब्जर्वेशन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए यहां पर कभी भी, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको इंडिकेटर के बेसिस इंडिकेटर के ऊपर लेके आता हूं कि देखिए यहां पर क्या होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी भी जब पोजीशंस और इंडेक्स दोनों के बीच में, दोनों अगर एक ही दिशा के अंदर हैं, मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, तो ही हमको ट्रेड लेना है। अगर ये दोनों अगर अगेंस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, वहां पर मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है। जैसे कि यहां पर भी हुआ, आप चेक कर सकते हो कि अभी तो आज तो ऐसा नहीं दिखा मुझे, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी यहाँ पर पोजिशन ऊपर की तरफ जा रही होंगी, मार्केट नीचे की तरफ जा रही होगी, तो वहां पर एक स्टॉप लॉस हंटिंग इवेंट होता है और वीक प्लेयर्स को मार्केट से बाहर किया जाता है और उस मूव को ट्रैपिंग मूव भी कहा जाता है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग भी आप इस इंडिकेटर से पहचान सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सेम डायरेक्शन के अंदर जब दोनों ग्राफ की जो लाइनें हैं वो चलती दिखें तभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है दोस्तों। दूसरी चीज कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको बहुत समय तक ऐसा दिखेगा कि पोजीशंस के अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जैसे कि आज भी यहां से यहां तक का आप चेक कर सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है पोजीशंस के अंदर। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा होता है मार्केट के अंदर भी, मार्केट में भी आप चेक कर सकते हो कि जब यहां से यहां तक क्या कहते हैं आपका कंसोलिडेशन हुआ, तो मार्केट ने भी यहां से यहां तक कोई भी मूव नहीं दिखाया, वो भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वहां पर मार्केट घूमती रही, ठीक है। यहां पर आपको ऐसा मिलता ही रहेगा, यहाँ पर जो है आपको ऐसा बहुत मिलेगा कि मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिर यहाँ पर कि आपको ये इंडिकेटर कैसे बताएगा कि रेंज बाउंड मार्केट के बाद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट जाननी जरूरी है ये चीज, वो क्या है कि अगर मार्केट की पोजीशंस एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर है, यानी कि लाइन स्ट्रेट है बिल्कुल, तो अगर उस दौरान अगर निफ्टी जो है वो इस पोजीशंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये निफ्टी अगर इस पोजीशंस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वहां पे 90% केसेस के अंदर मार्केट ब्रेकडाउन कर देगा, ठीक है। और इसी का उल्टा, अगर मार्केट बहुत समय तक मार्केट में पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं हुआ और ये निफ्टी अगर उसी दौरान कंसोलिडेशन के अंदर ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, इस पोजीशंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 90% केसेस के अंदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर जानना और यूज करना, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके। और आज भी देखिए यही हुआ कि जब बहुत सारा चेंजेस नहीं हुआ, काफी टाइम तक मार्केट एक रेंज में रहा, 50-40 पॉइंट के रेंज में रहा और फाइनली ब्रेकडाउन कर गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आपको एक्सेस मिलेगा सपोर्ट ग्रुप के अंदर तो इन बातों का आप ख्याल जरूर रखिएगा, क्लियर। और ये एक और बात है, वो एक्सेस जो है वो आपको थर्सडे को नहीं मिलेगा सपोर्ट ग्रुप के अंदर, एक्सेस जो है वो नहीं मिलेगा कब, थर्सडे को। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि ऑप्शन चेन के अंदर जो भी प्रैक्टिकल होता है, मतलब प्रैक्टिकली ऑप्शन चेन के अंदर जो भी पोजीशंस बनाई जाती हैं थर्सडे को, वो हमेशा विपरीत दिशा के अंदर, यानी कि अपोजिट दिशा के अंदर उसके हिसाब से निफ्टी बिहेव करता है। तो इस इंडिकेटर का जो एक्सेस है वो कभी भी आपको थर्सडे को नहीं मिलेगा,
और अगर आप सपोर्ट ग्रुप में ऐड होते हैं तो कल आपको इसका एक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। क्योंकि वहां पे मैं तो जानता हूं कि यहाँ पर मार्केट उल्टा क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर आपको इसका एक्सेस दिया रहेगा तो आप वहां पर ट्रैप हो सकते हो और आपका डिसीजन वहां पे गलत हो सकता है। तो यानी कि थर्सडे को छोड़ के वहां पर कभी भी आपको, थर्सडे को छोड़ के मतलब बाकी दिन आपको इसका एक्सेस मिलता रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बीच बीच में देखो कभी भी किसी को भी एक इमरजेंसी काम पड़ सकता है, किसी को भी कहीं पे भी बाहर जाना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, मैं जैसे कि आज मैं खुद बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ द होम फॉर टूडे, तो मैंने वहां पर 1 बजे के बाद कोई ट्रेडिंग नहीं की, ठीक है, और उस केस में मैं यहाँ पर एक्सेस नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको एक्सेस देने के लिए मुझे लिंक जनरेट करना होता है। तो जब भी अगर मैं आउट ऑफ द होम रहूंगा, कभी एक हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, जैसे कि आज रहा था, कभी कभी अगर मैं आउट ऑफ द होम हूं तो मैं भी उसका एक्सेस नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपको समझना, और इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और ये था लॉजिक जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये स्केल एनालिसिस को देखना और आपको बहुत जरूरी है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से इस इंडिकेटर के बारे में सीखना चाहते हो तो, ठीक है। तो बाकी तो आप, मैंने सारे लॉजिक्स यहाँ पे बता ही दिए हैं और ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आ गया होगा, ये इंडिकेटर कैसा काम करता है, इसकी एक्यूरेसी समझ में आ गई होगी। तो सपोर्ट ग्रुप में ऐड होने के लिए सिंपल सी बात है, आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक जो दिया हुआ है उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज, लाइफ टाइम के लिए रहेगा आपका सपोर्ट ग्रुप, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों ओपन करना है उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक का, वहां पर भी आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वहां पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कम्युनिटी टैब के ऊपर मैंने एक पोस्ट डाला था कल, ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये कम्युनिटी टैब के ऊपर मैंने एक पोस्ट डाला था, वहां पर कुछ जो भी सवाल आए थे, मैंने कहा था कि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो देन डेफिनेटली वो इंसान पूछ सकता है। तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस आए थे मैंने उनका रिप्लाई ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, और इसलिए मैं यहाँ पर इस एक्सेल के अंदर उसका, मतलब सॉरी, इस वीडियो के अंदर उनका रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं, बिकॉज इट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी, अगर कोई भी किसी का ऐसा भी क्वेश्चन है देन डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसका रिप्लाई वहीं पर कर दूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, और आई होप कि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिली होगी। और सपोर्ट ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको पूरा प्रोसेस करने के बाद यूजर आईडी क्रिएट जब हो जाएगी तब आपको वहां पर मेरे को व्हाट्सअप करना है, आई विल ऐड यू इन माई सपोर्ट ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।